तस्वीरें जो है वो अभी भी मीडिया में जो है वो आपकी नहीं दिखाई जा रही दीपिका की, और जो तमाम खबरें वो दिखाई जा रही है। जी मीडिया तो इनकी चिड़िया है, मीडिया ने तो पाले रखा है, मीडिया ने तो बना दिया। अब मीडिया जैसे ये गुलसरे छोड़ता है, बड़े बड़े लोग बकाम आ जाते हैं, सह सह जनता जागरूक हो रही है, जो जो जनता के पास बात जाएगी खुलासा होगा, बेरा पटाखा असली चेहरा सामने आएगा। कोई तो मीडिया वाला होगा जो गरीब किसान की भी सुनवाई करेगा, सभी थोड़े ना अमीरों के कोई भी तो ऐसा होगा जो हमारी भी मदद करेगा, हमारी सुनवाई करेगा। ये तो अमीरों की सरकार है, बड़े बड़े लोगों की सुनती है, गरीब किसान मजदूर की नहीं सुनती। इसलिए हम रोड़ो पास तो एक संकेतिक आए हैं, अगर 24 घंटे दिन रात बारू मास आना पड़े तो हम अपनी फसल के छोड़ के रोड पर ही बैठ जाएंगे। हमारी बात नहीं सुनी, 24 घंटे नहीं पूरी फसल को छोड़ गए। अब धान की कटाई नहीं करेंगे, बाजरे की कटाई हो गई है, बाड़ी ने छोड़ दें, हम 6 महीने के लिए बैठेंगे, साल के लिए बैठेंगे, हम उठेंगे नहीं। ये तो एक दिन का संदेश है। मोदी जी खुद ट्वीट करके कहते हैं कि एमएसपी खत्म नहीं हो। मोदी झूठा है। तो कृषि मंत्री तोमर का बयान था, वी आर कमिटेड। अरे भैया तुम्हारी कमिटमेंट तो 15 लाख की भी थी, 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी करने की कमिटमेंट थी, आमदनी तो घट रही है ना। क्या अब ये जो बात है जो आपकी वो अब खत्म हो जाए? ना लड़ाई तो शुरू हुई आज, हरियाणा से लड़ाई आज शुरू हुई है, और ये जब तक चलेगी जब तक ये तीनों कानून वापिस नहीं हो जाते, या फिर एमएसपी का जो है वो कानून नहीं बन जाता। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान का भाईचारा जिंदाबाद, सरकार जिंदाबाद, तीनों कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, तीनों कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, तीनों कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। आज देश भर में किसान कानून को लेकर के भारत बंद का ऐलान किया गया है, और हम देख रहे हैं कि चौक चौराहे पर जो है, हर शहर के चौक चौराहे पर इसी तरह से जो है किसानों ने प्रदर्शन किया है, बगैर किसी हिंसा के शांति प्रिय जो है वो भारत बंद रहा है। क्या कहेंगे, लगातार जिस तरह से पूरा दिन भारत बंद रहा, कोई हिंसा की घटना नहीं, कहीं पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन असल जो मुद्दा था, मुद्दा ये था कि सरकार कहीं पर कोई बातचीत के लिए प्रस्ताव रखे, सरकार अभी भी जो है वो अपने कानून बिल्कुल तैयार नहीं आ रही हुई है, किसानों से कोई बात करने को तैयार नहीं है। ये किसान जो है 1000 फुट तो पहले जाए हुए पाताल लोक में किसानों को पहुँचाने के लिए कानून लाई हुई है, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर ये किसान अपनी किसानी छोड़ देगा तो फिर सरकार किस पे कानून लाएगी, किससे अनाज लेगी, किससे, सरकार को सोचना चाहिए। इसलिए हम रोड़ो पास तो एक संकेतिक आए हैं, अगर 24 घंटे दिन रात बारू मास आना पड़े तो हम अपनी फसल के छोड़ के रोड पर ही बैठ जाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि 24 घंटे के लिए लगातार जो है आप फिर सड़कों को जाम करेंगे? जाम अगर हमारी बात नहीं सुनी, 24 घंटे नहीं पूरी फसल को छोड़ गए, अब धान की कटाई नहीं करेंगे, बाजरे की कटाई हो गई है, बाड़ी ने छोड़ दें, हम 6 महीने के लिए बैठेंगे, साल के लिए बैठेंगे, हम उठेंगे नहीं। ये तो एक दिन का संदेश है। तो ये जो है जोश जोश खाली एक दिन भर का था या और बढ़ेगा आंदोलन? नहीं, ये जोश नहीं, जब तक हमारे ये अध्यक्ष वापिस नहीं लेते इस दिन हम ऐसे ही रोड पर आएंगे, आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। अगर हमारे ऊपर कोई लड़ भी मारेगा वो भी सहने के लिए तैयार हैं। अगर जाट वो किसान अपने आड़ियों पर आएंगे ना तो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए। एक दिन का केवल ये भारत बंद रहा कि फिर इसको जब तक कानून वापस नहीं लेंगे दोबारा फिर होगा? जब तक हमारे किसानों की मांग नहीं मानी जाएगी, जब तक हम, जब तक ये होगा और जब तक लड़ेंगे जोर शोर तो लड़ेंगे। लेकिन मोदी जी कह रहे कि कोई जो है गलती नहीं है इसमें, पूरी तरह से किसानों के हक में। अगर ये लेकर क्यों नहीं दे, उसमें भी जो एमएसपी मूल्य है जो किसान का देना है फसल का, वो उस इसमें जो अमेंडमेंट करनी है अध्यादेश में, क्या तो कोने लिख के देते, गारंटी क्यों ना देते? अब भी कह रहे हैं कि यो भाई गेहूँ 1900 लिया जाएगा, 1400 पेटन लग रहा, कोई जीरी का मूल्य ना बताओ कैसे करे, ये तो जीन मरण की बात आ गई। यो अंदाजा मारा जाओगा तो बता रहेगा कि कितनी अर्थव्यवस्था कृषि पे टिक रही है, बताइए है ना। लेकिन सवाल है कि ये भी है कि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं भारत बंद की जो है, आज पूरा देश पूरा भारत बंद रहा, लेकिन तस्वीरें जो है वो अभी भी मीडिया में जो है वो आपकी नहीं दिखाई जा रही दीपिका की, और जो तमाम खबरें वो दिखाई जा रही है। जी मीडिया तो इनकी चिड़िया है, मीडिया ने तो पाले रखा है, मीडिया ने तो बना दिया। अब मीडिया जैसे ये गुलसरे छोड़ता है, बड़े बड़े लोग बकाम आ जाते हैं, सह सह जनता जागरूक हो रही है, जो जो जनता के पास बात जाएगी खुलासा होगा, बेरा पटाखा असली चेहरा सामने आ जाएगा। क्यों भाई सर, हमारी मांग ये है, नमक से लेकर जमीन पर जो भी फसल है कि ना सरकार सुन रही ना कोई नहीं सुन रहा ना, नहीं होगा। देखो जी हम तो अपनी बात उठा सका है, आप जैसे मीडिया वाले जो हमारे कान खड़े होंगे, हमारी अकेली लड़ाई लड़ेंगे तो हमारी बात ऊपर जाके हम भी लड़ेंगे उसले के साथ, ये बात है जी। आप हमारी आवाज उठाओ, हर एक मीडिया वाला तो ऐसा नहीं है, हर एक तो बिकाऊ ना है, आप जैसे भी हैं तो हमारी आवाज उठाओ,
अच्छा, ये जो लगातार जो बातें हो रही है कि राज्यसभा में बिना वोटिंग के जो इसको पास करवा लिया गया, ये बातें गांव देहात तक पहुंच रही है क्या? हाँ जी, क्यों नहीं पहुंच रही, सारी बात का पता चला आजकल, इंटरनेट का जमाना है, सब ये पता चल रही है कि बिना वोटिंग के जो है वो बिल को पास करवा रहे हैं ना, अभी तो इसीलिए तो बैठे हैं, सभी तो उठ के आए, मेरा पटियाला 15 दिन पहले उठ ले, हम एमपी तक सस्पेंड करवा दिए, बताओ जी एमपी तक सस्पेंड कर दिए। अब जो भी एमपी करीब 10 लाख वोटर का प्रतिनिधित्व करता है, अब वो भी अपनी बात रखे और बोलने का हक नहीं, तानाशाही है जी, तानाशाही बना दी, चेहरा कुछ है और भीतर में कुछ है, जहरीली नम्रता इन लोगों में, जहरीली नम्रता की सरकार है जी, जहरीली नम्रता। लेकिन मैंने इनसे एक सवाल पूछा कि सरकार सुन नहीं रही है, मीडिया दिखा नहीं रही है, तो आगे का रास्ता फिर कैसे तय होगा? जब ये आंदोलन चरम पे जाएंगे तो आप जैसे बाकी और मीडिया वाले जो जागरूक है वो हमारी आवाज को पहुँचाएंगे ऊपर तक, वही तो मीडिया वाला होगा जब सबके मंच आम होगा, सब कुछ वही तो मीडिया वाला होगा जो गरीब किसान की भी सुनवाई करेगा, सभी थोड़े न अमीरों के कोई भी तो ऐसा होगा जो हमारी भी मदद करेगा, हमारी सुनाई करेगा, ये तो अमीरों की सरकार है, बड़े बड़े लोगों की सुनती है, गरीब किसान मजदूर की नहीं सुनती। अच्छा ये तो ये जो बात है कि अमीरों की सरकार है, ये नेता लोग कह रहे कि आम जो किसान है, गांव देहात का जो किसान है, वो भी इस बात को समझ रहे हैं, ये जो गांव के गरीब आदमी किसान है वो समझ रहे, वो कह रहे हैं, अमीर आदमी क्यों कहेंगे, वो तो उसी सरकार में रहते हैं, उनके पास तो पैसा कमाई आ रही है, उनको क्या जरूरत है बोलने की कहने की। अच्छा सरकार ये कह रही है कि लगातार किसानों को जो है वो गुमराह किया जा रहा है, किसानों को जो है कठपुतली की तरह से विपक्षी पार्टियां जो है इस्तेमाल कर रही है। नहीं, विपक्षी पार्टी को इस्तेमाल नहीं कर रही, लेकिन कोई अगर हमारे धरने प्रदर्शन में विपक्ष का आ जाता है तो कहते हैं कि विपक्ष उठा रहा है, विपक्ष नहीं उठा रहा, गुमराह जो है सरकार कर रही है, कैसे सरकार कर रही है, कह रही है एमएसपी तो टूट ही नहीं सकता, एमएसपी रहेगा, एमएसपी तो अपने आप चला जाएगा, जब मंडी खत्म हो जाएंगी फिर कहाँ एमएसपी मिलेगा, एमएसपी तो आज गेहूं का भी है, बाजरे का, कपास का, सब चीजों का है कोई खरीद, बाजरा 1 किले का 20 मन खरीदे हैं, लिखड़ा है 40 मन। लेकिन मोदी सरकार, मोदी जी खुद ट्वीट करके कहते हैं कि एमएसपी खत्म नहीं हो, मोदी झूठा है, तो कृषि मंत्री तोमर का बयान था, वी आर कमिटेड, अरे भैया तुम्हारी कमिटमेंट तो 15 लाख की भी थी, 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी करने की कमिटमेंट थी, आमदनी तो घट रही है ना, कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र था जिसपे निर्भरता ज्यादा है लोगों की, अब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू बड़ी पूंजीपतियों के हवाले चली जाएगी खेती, तो ये निर्भरता घट जाएगी, 80,000 किसान ट्यूबवेल का कनेक्शन का इंतजार कर रहे हैं, छोड़ दो कानूनों को, आप अध्यादेशों को, उनके ट्यूबवेल कनेक्शन क्यों नहीं दे रहे आप? सवाल ये है कि ये भारत बंद जो आज दिन भर रहा, अभी जो है वो ट्रैफिक आप धीरे धीरे खोल रहे हैं, तो क्या अब ये जो बात है जो आपकी वो अब खत्म हो जाएगी? ना, लड़ाई तो शुरू हुई आज, हरियाणा से लड़ाई आज शुरू हुई है, और ये जब तक चलेगी, जब तक ये तीनों कानून वापिस नहीं हो जाते, या फिर एमएसपी का जो है वो कानून नहीं बन जाता, सभी संगठनों की मीटिंग होगी, संयुक्त रणनीति बनेगी, लड़ाई चलेगी अभी। लेकिन वहीं पर सरकार ये कहती है कि ये कुछ हरियाणा के और पंजाब के कुछ किसान हैं, उनको खास करके कांग्रेस के नेता जो है या विपक्षी पार्टियां जो है वो इनको भड़का करके सड़कों पर उतार रहे हैं। सड़कों पे किसान, सड़कों पे कोई राजनीति की बात नहीं हो रही, केवल किसान के मंडी कानून की, मजदूरों की, इनकी बात हो रही है, राजनीति कौन कर रहा है? यहाँ पे लोहारू के अंदर हरियाणा का कृषि मंत्री किसानों को पैसे देके प्रदर्शन करवा रहा है, समर्थन में प्रदर्शन करा रहा है, यहाँ पे जितने आज लोग थे किसी पार्टी के नहीं है, सब किसान है, सभी जात के हैं, सभी धर्म के लोग हैं, हमारी एकजुटता के साथ केवल एक लड़ाई है, और हम ये कह रहे हैं ये असल में सत्ता पक्ष जो है वो बरगला रहा है, गलत संदेश दे रहा है लोगों के बीच में, तो विपक्ष के भड़काए हुए हैं, किसान जागृत हो चुका है, किसी के बहकावे में नहीं आने वाला, लड़ाई शुरू हुई है, लड़ाई चलेगी और जीतेंगे। तो यही जो है वो बड़ा संदेश है कि ये लड़ाई जो है वो आज खत्म नहीं हुई है, बल्कि यहाँ से आज से जो है वो किसानों की लड़ाई शुरू होती है, और यहाँ पर किसान एक और बड़ी बात कह रहे हैं कि गुमराह जो है वो हमें नहीं किया जा रहा, बल्कि सरकार जो है वो खुद गुमराह जो है वो लोगों को कर रही है, और सबसे बड़ी बात यह है इन्होंने यहाँ पर कहा कि खुद जो है हरियाणा में कृषि मंत्री जो है वो इस कानून के समर्थन में जो है वो रैली करवाते हैं, ऐसा अब जो है वो नया पैटर्न शुरू हुआ है, जिस तरह से आपने देखा था कि सीए के समर्थन में कुछ समय पहले जब सीए का कानून पास किया गया था, उस समय सीए के समर्थन में भी जो है वो रैलियां निकाली गई थी बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के मंत्रियों की तरफ से, और अब इस कृषि कानून के लिए जो है वो अब बीजेपी सरकार जो है उसके मंत्री जो है वो अब समर्थन में सड़कों पर उतर रहे, लेकिन किसान साफ तौर पर कह रहा है कि आज का जो प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर खत्म नहीं होता है, बल्कि ये शुरुआत है उस आंदोलन की जो मोदी सरकार के खिलाफ चलेगा अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी हुई है, जो घंटी बनी हुई है उसको जरूर दबाएं, धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें,
और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।